तो दोस्तों मैं बताता हूँ आपको इसका नाम। दोस्तों शर्ट का मेजरमेंट्स है ये 28.5 इंच है इसकी लंबाई, स्लीव्स है 24 इंच, शोल्डर है 18.5 इंच, कॉलर है 15 इंच। हमने यहाँ पर शर्ट से नाप लिया है, पुरानी शर्ट से, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका सामना है वो 11.5 इंच है और हम यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन लेंगे तो 12 इंच पर कटिंग करेंगे। एक बार मैं आपको फिर समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर हमने इस शर्ट का नाप लिया है, ठीक है, इस शर्ट से नाप लिया है और ये शर्ट यहाँ पर सिलने वाली है, ये वाली नीचे रखी है, ठीक है, बिछाए कपड़ा। तो यहाँ पर जो इसका सामना है इस तरीके से हमने नापा है, ये यहाँ से नापेंगे और यहाँ पर आएगी 11.5 इंच। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर 11.5 इंच है यहाँ तक, ठीक है, और नीचे का है जो वो भी 11.5 इंच है। आप इस तरीके से देख लीजिए, ये है यहाँ तक पूरा 11.5, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ये सामना नाप लिया है। अब सामना नाप के हमने यहाँ पर इस शर्ट को कटिंग करेंगे। तो दोस्तों आज इस शर्ट को कटिंग किस तरीके से करेंगे आप यहाँ पर जानेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नैना बुटीक में। मैं हूँ आपका दोस्त सैयद परवेज। दोस्तों आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम पुरानी शर्ट से नाप लेके, यानी शर्ट से नाप लेके और शर्ट को कटिंग करने वाले हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर लिया है 2 मीटर कपड़ा। इसकी जो अरज है वो भी आपको बता देता हूँ, ये डबल फोल्ड है, ठीक है, डबल फोल्ड करके बिछाया है मैंने यहाँ पर। इसकी जो अरज है वो 44 इंच की है, ठीक है। और यहाँ पर हमने ये है उल्टा हिस्सा और जो इसके अंदर है वो है सीधा हिस्सा। हमने यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले इस तरीके से कपड़े को बिछाने के बाद यहाँ पर लाइनिंग मिला लेना है, ठीक है। लाइनिंग आपको जरूर मिलाना होगी, जिससे यहाँ पर लाइनिंग आप अगर नहीं मिलाते हैं तो बहुत बुरा लगता है सामना। तो हमने यहाँ लाइनिंग मिला के अपने सामने को बिछा दिया है। हमने आपको नाप बता ही दिया है, तो हम नाप यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर 2.25 इंच लेंगे और इसको इस तरीके से ऊपर से मिला के एक निशान लगा देंगे और एक निशान इस निशान से नीचे लगाना है 2.25 इंच पे। तो ये हमारी स्केल है वो 2.25 इंच की, तो हमने यहाँ पर एक निशान लगा दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर है ये नाप, इसकी जो लंबाई है वो है 28.5 इंच। तो हम इस निशान से यहाँ पर नापेंगे 28.5 इंच इस तरीके से और हम यहाँ पर करीब 1 इंच लेंगे दामन में फोल्ड होने के लिए, क्योंकि इसका दामन है वो सादा है, ठीक है, राउंड वाला नहीं है। अब दोस्तों बात करें यहाँ पर आरमोल की, तो आरमोल इसका यहाँ पर हम रखना है, आरमोल की लटक रखना है। तो दोस्तों रखना होती है चेस्ट के साथ में, तो यहाँ पर चेस्ट का नाप तो है ही नहीं, यहाँ पर नाप है सामने का, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको हम कह रहा है यहाँ पर 40 इंच चेस्ट का रख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम 40 इंच चेस्ट का इस वजह से रखेंगे क्योंकि 10 चौक 40 ये हो गया। इस तरीके से आप आइडिया लगा लेंगे 40, यहाँ पर 2 इंच के रखेंगे लूजिंग, ठीक है, 2 इंच की लूजिंग देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हो गया पूरा 12 इंच, जिससे हमारे यहाँ पर पूरा 12 इंच, 11.5 और 12 इंच सामना है, यानी 11.5 है यहाँ पर फिट सिलाई लगने के बाद और यहाँ पर कच्चा रहेगा वो 12 इंच रहेगा, ठीक है। तो ये 40 चेस्ट का यहाँ पर हमारा यहाँ पर आ गया है, ठीक है, ये शर्ट। इस तरीके से आप यहाँ पर आइडिया लगा सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर अब हमने 40 चेस्ट के हिसाब से रखेंगे, 40 का 4 भाग करेंगे। दोस्तों यहाँ पर हो गया 10 इंच आरमोल, ठीक है। तो यहाँ पर कभी भी यहाँ 4 भाग करके नहीं रखना होता है, यहाँ पर आप आधा से 1.25 इंच तक या 1 इंच तक कम करके लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर लगाऊंगा ये 9 इंच, यानी कि 1 इंच कम करके लगा दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर जो इसका कॉलर है वो है 15 इंच। तो 15 का हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2.5 इंच लेंगे ऐसे हाला और 2.5 इंच लेंगे इधर, और इसको यहाँ पर बिल्कुल फिक्स आएगा आपका ये 15 इंच में। तो हमने यहाँ 9 इंच पे निशान लगा दिया है क्योंकि फिटिंग की शर्ट है, अगर लूज शर्ट होती तो हम यहाँ पर इसका आरमोल का निशान लगाते 9.5 इंच पे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इस तरीके से लगा दिया है। मैं आपको एक बात फिर बता दूं कि अगर लूज शर्ट है तो आपको यहाँ पर आधा इंच कम करके चौथाई 4 भाग करके लगाना होता है, और यहाँ पर अगर फिटिंग की शर्ट होती है तो आप अब 1.25 इंच से 1 इंच तक यहाँ पर आरमोल को चेस्ट की चौथाई से कम करके लगा सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर कभी भी आप 9.5 से ज्यादा आरमोल नहीं रखेंगे, चाहे कितनी चेस्ट हो, क्योंकि 9.5 से ज्यादा आरमोल नहीं होता है, आपको यहाँ पर 9.5 तक ही रखना होता है 40 के बाद, ठीक है। 40 तक आपको आधा इंच, 1.25 इंच या 1 इंच कम करके ही आरमोल लगाना होता है। अब दोस्तों यहाँ पर लगाएंगे एक निशान नीचे इस तरीके से, और एक यहाँ पर लगाएंगे हम नीचे लंबाई का, और 1 इंच लगाएंगे जो बॉटम में या दामन में फोल्ड होगा, ठीक है, जो नीचे दामन में फोल्ड होगा वो 1 इंच ले लिया है। अब यहाँ पर जो हमारा सामना है कच्चा वो है 11.5 इंच, ठीक है, तो हम यहाँ पर आधा इंच का देंगे मार्जिन। तो यहाँ पर हो गया 12 इंच, तो 12 इंच हम यहाँ पर सामना रख देंगे इस प्रकार,
और 12 इंच रखेंगे नीचे, ठीक है। यहां पर रख दिया हमने। अब दोस्तों हम यहाँ क्या करेंगे, इसको इस तरीके से स्केल रखेंगे और इसको यहाँ पर निशान लगा देंगे। एक चीज का आप ध्यान रखें, जिन लोगों का पेट बाहर होता है ना, उन लोगों का इस तरीके से स्केल नहीं रखना होती है, इस तरीके से रखना होती है, या फिर आप पेट नाप लें। अगर चेस्ट से कम है तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है, निशान। उसके बाद में यहाँ पर जो इसका शोल्डर है वो 18.5 इंच है, तो 18.5 इंच का हम यहाँ पर आधा आधा इंच का दोनों साइडों में देंगे सिलाई मार्जिन। तो दोस्तों हो गया यहाँ पर 19.5 इंच, ठीक है। तो यहाँ पर ये 19.5 पे 19.5 का हाफ करके, देखो 19.5 का हाफ करके हमने 10.25 पर निशान लगा दिया है। और उसके बाद में एक निशान लगाएंगे यहाँ पर हम 3 इंच का। 3 इंच का निशान लगाने के बाद में इस तरीके से करेंगे राउंड, ठीक है, डाउन। डाउन करने के बाद में यहाँ पर हम इस प्रकार एक निशान और लगा देंगे, यहां से दे देंगे गोलाई। दोस्तों यहाँ पर हमारे निशान लग चुके हैं। निशान लगने के बाद यहाँ पर हमारी शर्ट कटिंग होने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर सामना कटिंग हो चुका है, नीचे लगा लिया है एक छोटा सा कट। उसके बाद में हम यहाँ पर ये उल्टे के लगा देते हैं यहाँ पर निशान। निशान लगाने के बाद में यहाँ पर अपनी बैक कटिंग करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से हम निकालेंगे बैक, और हमारा जो 12 इंच हमारा सामना था, तो हम 12 इंच यहाँ पर फिक्स यहाँ पर बिछा देंगे अपनी बैक कटिंग होने के लिए कपड़े को, ठीक है। यहाँ पर 12 इंच नापेंगे, बिल्कुल सही है। तो 12 इंच हम यहाँ पर भी चेक कर लेंगे, बराबर होना चाहिए। यहाँ पर निशान लगा देंगे उल्टे सीधे का, जिससे कि हमारे चौक के निशान है वो अंदर जाए, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर हम क्या करना होगा, स्केल लेंगे, ये गुनिया फंटी इस तरीके से यहाँ पर बिल्कुल सीधी करके इसको यहाँ पर इधर से देखेंगे, और देखने के बाद में यहाँ पर एक निशान लगा देंगे और इसकी कर लेंगे कटिंग, जिससे हमारा कपड़ा एक सा हो सके। अब दोस्तों निशान लगाने के बाद में हमें यहाँ पर कटिंग कर दिया है। कटिंग करने के बाद में अब अपनी बैग बिछाएंगे। दोस्तों ये टीक से यहाँ पर इस डाउन वाली टीक है, इसके बराबर आपको बैग बिछाना है। सामने से अपनी बैग को आधा इंच कम रखना है, ठीक है, 1/4 इंच। तो दोस्तों यहाँ पर 1/4 इंच हम यहाँ पर बिल्कुल अपनी पूरी बैग को कम रख देंगे। नीचे से ऊपर तक हमें यहाँ पर 1/4 इंच रखना है। बच्चे की शर्ट में आप आधा इंच ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से हमें अब क्या करना है, ये धारी, ये वाली जो है, ये वाली धारी, ठीक है, इस धारी को भी हम बिल्कुल मिला लेंगे, इस तरीके से मिला लेंगे। और यहाँ पर मिलाने के बाद में इसको इस प्रकार बिल्कुल सेट कर लेंगे। आपको अगर धारी आपकी सही तरीके से मिलती है और नीचे वाले पल्ले में ऊपर नीचे नहीं जा रही है, तो आपको धारी जरूर मिलाना चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके की हमने यहाँ पर धारी बिल्कुल बैग और सामने की मिला दी है। अब हमारी बैग यहाँ पर हल्की सी उड़ गई है, ठीक है, मगर हमें बैग लेना है यहाँ टीक के बराबर। तो हम इतना जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम कटिंग कर देंगे, क्यों धारी मिलाने में ऊपर नीचे हो जाता है कपड़ा, तो उसको बराबर कर लेंगे। तो दोस्तों हमने इसको बिल्कुल बराबर कर लिया है। बराबर करने के बाद में यहाँ पर जरूर चेक करें, 1/4 इंच हमारी बैग सामने से कम होनी चाहिए। अब दोस्तों हमारा यहाँ पर शोल्डर है 18.5 इंच, आधा आधा इंच का दोनों साइडों में देंगे मार्जिन। तो यहाँ पर हो गया 19.5 इंच, 19.5 का हाफ करेंगे दोस्तों होता है 10.25 इंच। यहाँ पर लगाएंगे 1 इंच का एक निशान और निशान लगाने के बाद में यहाँ पर इस तरीके से क्रॉस करके एक निशान लगा लेंगे, यहाँ से देंगे गोलाई। गोलाई देने के बाद में दोस्तों यहाँ पर बस यही निशान लगना होते हैं। अब हमारी बैग है कटिंग होने के लिए बिल्कुल रेडी। यहाँ लगाएंगे एक छोटा सा कट। अब यहाँ पर हमारी बैग कटिंग हो चुकी है, इसको उठा के रख देंगे एक तरफ। अब दोस्तों हमारी रह गई स्लीव्स, तो स्लीव्स के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, ये वाला कपड़ा लेंगे, ठीक है। अगर वैसे स्लीव्स हमारी जो हमारे सामने में से बचा है ये वाला कपड़ा, इसमें से भी एक स्लीव्स निकल जाएगी, मगर हम पहले देखते हैं कि हमारी स्लीव्स एक संग दोनों निकल जाए। तो हमारे स्लीव्स की जो लेंथ है वो है 24 इंच, जो सीधा कपड़ा है वो ये है, और उल्टा है ये बाहर की साइड में हमने ले लिया।
इस तरीके से इसको बिछा लेंगे, क्योंकि इसकी अरद है 44 इंच, तो यहाँ पर पूरी संभावना है हमारे स्लेब्स निकलने की। तो उल्टे के लगाएंगे यहाँ पर निशान और इस तरीके से हम अपनी स्लेब्स को बिछा देंगे। यहाँ पर जो हमने लंबाई है 24 इंच, तो सबसे पहले यहाँ पर लंबाई चेक करेंगे, हमारी लंबाई आ रही है, लंबाई यहाँ पर फिक्स है। यहाँ पर लगाएंगे एक निशान जहां से हम लंबाई नापेंगे, उसके बाद 1 इंच लगा देंगे हम ऊपर को और 1 इंच एक्स्ट्रा निकालें, क्योंकि हमारे कफ ज्वाइंट होते हैं, ठीक है, 2.25 इंच के कफ डालते हैं, तो 1 इंच के हमारे कफ के लिए निकालना होता है और 0.5 इंच मार्जिन जाएगा हमारा ऊपर, ठीक है, आर्मोल जुड़ाई में, और 0.5 इंच जाएगा कफ जुड़ाई में, इसलिए यहाँ पर ये 2 इंच हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर 2.25 इंच के कफ लगाते हैं। तो दोस्तों 1 इंच हमने निकाल दिया ऊपर, ऊपर निकालने के बाद में यहाँ पर 24 इंच पे लगा देंगे निशान, और निशान लगाने के बाद में यहाँ पर जो हम लेंगे वो 0.25 इंच लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो एक निशान लगाएंगे वो लगाएंगे हम 3 इंच का, इस तरीके से 3 इंच का निशान लगाने के बाद में हमने जो आर्मोल लिया था ना, उसकी जो लेंथ ली थी वो 9 इंच ली थी। तो हम यहाँ पर किसी किसी के आर्मोल छोटे या बड़े बैठ जाते हैं, किसी की बॉडी बड़ी बैठ जाती है या छोटी, तो किसी की स्लिप्स बड़ी बैठ जाती है या छोटी, ठीक है। तो हमने जो 9 इंच वहां पर रखा है, मैं एक बार आपको फिर दिखा दूं, जैसे कि हमने यहाँ पर आर्मोल की जो लेंथ ली है ये वाली, ठीक है, ये लेंथ ली है, तो हमने ये यहाँ से ऊपर से रखा था 9 इंच। तो आपको यहाँ तो आपको यहाँ पर बिल्कुल सीधा सीधा 9 इंच रखना है, ठीक है, इस तरीके से नापना है, ये 3 इंच वाले निशान से यहां से रखेंगे और यहां से इस तरीके से ये राउंड दे देंगे। राउंड देने के बाद हमने 0.25 का यह निशान लगाया है, इस निशान पे सीधा सीधा कर लेंगे। इस तरीके से अब हमें यहां पर इस पे कटिंग कर लेना है। दोस्तों ये है हमारा यहाँ सामना है, ठीक है, तो हम यहाँ पर इस तरीके से यानी कि ये कटिंग करेंगे, पौन यानी कि हमारे सामने में चढ़ेगी, ठीक है, जो हम कटिंग करते हैं यहाँ पर 0.25 इंच का गैप करके, तो ये हमारा चढ़ेगा सामने में और ये यहाँ पर आएगी बैक, यानी इसमें काज पट्टी कटेगी। तो इस तरीके से करेंगे फोल्ड और यहाँ पर जितना लेते हैं सिलाई मार्जिन उतना निकाल देंगे इधर बाहर को। और अब हम चाक पट्टी की जो लंबाई लेंगे ना वो लेंगे यहाँ पर 5.5 इंच और इसको यहां पर कट कर देंगे। अब दोस्तों इसमें बनाना है हमें ताबीज वाली काज पट्टी, तो यहां पर हम हल्का सा ऐसे कट लगा देंगे। दोस्तों यहां पर हमारी स्लीव्स कटिंग हो चुकी है, अब हमारा रह गया यहां पर शोल्डर। तो शोल्डर निकालेंगे हम यहां से, ठीक है, शोल्डर की लंबाई है वो 18.5 इंच है, इस तरीके से करेंगे यहां पर फोल्ड इस प्रकार, और फोल्ड करने के बाद में यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे, क्योंकि अगर हमें 6 इंच का यहाँ पर कपड़ा लेना है और हमें शोल्डर कटिंग करने हैं वो 5.25 इंच के करने हैं, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा होना चाहिए कपड़ा। तो यहाँ पर इस तरीके से करेंगे फोल्ड, और फोल्ड करने के बाद में यहाँ पर शोल्डर की जो लेंथ है वो 18.5 इंच है, आधा आधा इंच का लेंगे दोनों साइडों में मार्जिन, सिलाई मार्जिन जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 19.5, 19.5 का हाफ करेंगे होता है 0.25 इंच। अब दोस्तों यहां पर लेंगे 5.25 इंच और यहां पर लेंगे 0.25 इंच, ठीक है, दो निशान लगाना है 5.25, 2। उसके बाद में यहां पर हम इन निशानों को सीधा कर लेंगे। और अब हमें 15 इंच का हाला कटिंग करना है, तो दोस्तों हमने वहां सामने कटिंग करा था 2.5 इंच, तो यहां लेंगे 2.25 इंच और इसको इस तरीके से क्रास करेंगे। क्रास करने के बाद में यहां पर लेंगे इस तरीके से गोलाई, अब यहां पर हम ये क्रास कर लेंगे, ठीक है। अब हमने यहां पर नापा था 0.10, ठीक है, 19.5 का हाफ, अब 0.10 का एक निशान यहां पर लगा देंगे और इसको कर लेंगे कटिंग। तो दोस्तों यहां पर हमारी ये कटिंग हो चुकी है, 20 सेंटर लगाएंगे छोटा सा कट, एक कट यहां लगाएंगे। कभी भी आप शोल्डर कटिंग करें तो ये चौड़ाई और ये चौड़ाई सेम होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखें, तो ऐसे नाप लें, ठीक है, तो ये बराबर है बिल्कुल। अब इसको हम दोनों को अलग अलग कर लेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, प्लीज कमेंट्स करके बताएं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी उसे लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल पर पहली बार आए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, और साथ में जो बेल आइकन का निशान है प्लीज उस पर क्लिक जरूर करें, क्योंकि जब तक आप
ऑल वाले निशान पर क्लिक नहीं करते आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सही समय पर नहीं मिलेगी। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।